नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। आज चुनाव यात्रा को लेकर हम पहुंचे हैं वाराणसी। जी हां, वाराणसी यानी भगवान शिव की नगरी, महादेव की नगरी, और अब इसकी एक और पहचान बनती जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां विकास के तमाम काम हुए हैं। इतने काम हुए हैं कि लोग अब उदाहरण देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट पे। वाराणसी में हम किसी एक विधानसभा को फोकस न करके आम लोगों से बात करेंगे। अभी हम घाट पे हैं तो बात करते हैं कुछ यहाँ के घाट पुरोहित लोगों से, क्योंकि ये लोग बनारस के पुरोधा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य करते आए हैं, तो बनारस के बारे में यहाँ के जो कार्य होते हैं इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। जी पंडित जी, राम राम। खुश रहिए। क्या बस ठीक है, आप बताइए, सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है। कैसा चल रहा है आपके यहाँ काम धाम नेताओं का? अब यहाँ क्या बताया जाए, यहाँ सब बाबा विश्वनाथ की नगरी है, सभी बाबा चला रहे हैं, समझ गए, सभी अच्छा है, सब बढ़िया है। ये तो मोदी जी का क्षेत्र है, यहाँ पे काम धाम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, काम धाम से सब संतुष्ट हैं, बस खाली महंगाई से असंतुष्ट हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, योग कम होना चाहिए, समझ गए। तो काफ़ी काम हुए हैं, कुछ अच्छे काम बताइए जो आपको अच्छा लगता है। हमको सिर्फ महंगाई दिख रहा है इस समय, और कोई काम नहीं दिख रहा है। महंगाई सबसे मेन प्रथम है, गरीब जनता का काम 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 बहुत कुछ हुआ है, लेकिन महंगाई जो है वाकई सभी की कमर तोड़े जा रही है, और तमाम जो अच्छे कार्य हैं वो महंगाई के कारण जो है वो कहीं ना कहीं उस पर जो सरकार का फोकस अगर महंगाई पे नहीं करती है तो निश्चित रूप से वो परिणाम जो है सार्थक नहीं होंगे। पंडित जी, महादेव। महादेव, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। अरे पान खाए हैं? अरे पान खाए तो ऐसे बोलिए, काशी नगरी में तो पाने लोग खाए रहते हैं। क्या माहौल है आपके यहाँ? सब ठीक है, माहौल सब ठीक है भैया। महादेव जी की नगरी है, यहाँ कोई कमी नहीं है, सब एकदम भरपूर है, माहौल भी फिट है। इस बार के चुनाव में किसका माहौल रहेगा? अब जो आएगा सामने, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, दोनों लोग का रहेगा भाई। भाजपा का भी रहेगा, उसका भी रहेगा, जिसको देखा जाएगा उसको दिया जाएगा, साफ बात। कुछ काम धाम हुआ है? काम धाम तो बहुत हुआ है भाई, कुछ बताइए। रोड एकदम क्लियर हो गया, लाइन क्लियर हो गया है, पुल बन गया, जहाँ जाम लगता था अब जाम नहीं लगता है। मोदी जी बहुत काम किए हैं, काम में कोई फर्क नहीं है, काम तो इतना हुआ है कि फिर हाँ सब फिट है। तो? आप कह रहे हैं काम भी हुआ है, फिर कह रहे हैं सपा आएगी, सबका देखा जाएगा? नहीं, भाजपा आएगी भाई, भाजपा को वोट दिया जाएगा। अब क्या करें, अब यहाँ पर दोनों पार्टी है तो भाई बोलना ही पड़ेगा ना, जो काम किया है उसी को वोट देंगे। कहने वाले तो कहबे करेंगे कि सपा को देंगे, इनको देंगे, लेकिन जो किया है वो दुनिया देख रहा है कि नहीं? हाँ, तो सबके आँख के सामने है, मोदी जी काम बहुत किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम चलते हैं किसी अन्य के पास, एक बार आप हर हर महादेव का। वही हर हर महादेव। तो ये है बनारस में, कहीं बात की शुरुआत किया जाए तो हर हर महादेव के नारे से ही शुरुआत होती है। कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं, घाट पुरोहित हैं। पंडित जी, हर हर महादेव। हर महादेव जी, हर हाल चाल है? सब ठीक है, सब कृपा है गंगा मैया विश्वनाथ जी का। और चुनाव उनाव का क्या माहौल है अभी? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, माहौल की कोई ऐसा नहीं बातें, सभी शांति वातावरण है, कोई हल्ला गुल्ला इधर। आपके क्षेत्र में काम धाम कुछ हुआ है 5 साल में? हाँ, तो इस क्षेत्र में तो यही हुआ है, घाट बाट का थोड़ा साफ सफाई है, हैं, और पब्लिक का भी देख रेख हो ही रहा है अच्छी तरह से, जनता भी आ रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सब स्नान दर्शन कर रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं, शांति पूर्वक आ रहे हैं, शांति पूर्वक जा रहे हैं। आपका काम धाम कैसा चल रहा है? हमारा काम धाम गंगा मैया विश्वनाथ जी बहुत बढ़िया चला रहे हैं, दाल रोटी चल रहा है, वैसे तो हम लोग ब्राह्मण हैं, जो भी मिल जाए हमारे लिए संतुष्टि है, हमारा परिवार भी सुखमय है, कोई दिक्कत की परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए, आप संतुष्ट हैं, क्योंकि बनारस की यदि हम बात करें तो ठीक है, महंगाई है, तमाम ये सब समस्याएं हैं, क्योंकि घाट है, यहाँ पे तमाम लोग घूमने फिरने आते हैं, तो कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, जानना चाहें कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए जी। दिल्ली से? तो बनारस देख के आपको कैसा लगा, खासकर अगर विकास की दृष्टि से कहें आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मोदी काम बहुत कर रहा है। महादेव पंडित जी, हाल चाल ठीक है? सब बढ़िया है। चुनाव उनाव की तैयारी शुरू हुई कि नहीं आपके? चुनाव सब बीजेपी हमारे ये जितवे गिरे कहे, और बीजेपी ठीक ही है, और कहेगा
बीजेपी में सीट है, उसका जो बना हुआ सीट है उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता भाई, उसका बना हुआ है, अटल जी के जमाने से बना है। ये लोग तो नया नया आए हैं। कौन? अरे आदित्यनाथ जी हैं, मंत्री जी हमारे हैं सब लोग, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से ही सब बना हुआ है ना। यहाँ कोई डगमगा नहीं पाएगा ना? कोई जरूरत नहीं है, जब डगमाने कोई चांसे नहीं है। ये लोग कितनों गठबंधन करता रहे। मोदी जी का ही लड़ रहेगा हमारे समझ से, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, तो आदमी सपोर्ट तो करेगा ही। विधानसभा चुनाव में मोदी जी यहाँ थोड़ी लड़ेंगे, जो भी लड़ेगा तो जीतेगा ही भाई, उनके नाम से, मोदी जी के ही नाम से वोट उनको पड़ेगा भाई, भाजपा के ही नाम से उनको वोट दिया जाएगा, तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि मोदी जी ही जीते, जो यहाँ उनके नाम से कार्यकर्ता लड़ रहा है वो भी उन्हीं के काम से जीते। यानी इनका कहना है कि यहाँ से तो मोदी जी ही जीतते हैं, भले न मोदी जी लड़े, यानी जो भी जीतता है मोदी जी के नाम पे जीतता है। चुनाव में तो योगी जी और मोदी जी ने बहुत काम किया, चुनाव में भी किया है, चुनाव के बाद भी 5 साल तक इन्होंने बहुत काम किया है। हम साल भर पहले इस एरिया में आए थे, जो नहीं था आज वो देखने में, पूरा रोड तार वगैरह कुछ नहीं है, रोड चौड़े हैं और सारी बिल्डिंगें एक कलर की हो चुकी हैं, जैसे बहुत सारी डेवलपमेंट, और चारों एयरपोर्ट भी जाते हैं तो उधर देखते हैं रोड जो बना हुआ है, तो हम समझते हैं कि इधर तो आसपास में के यूपी में भी ऐसा कोई रोड नहीं होगा जो इस तरह का बना हुआ जी। यानी बनारस के विकास कार्यों पे बात किया जाए तो लोग संतुष्ट हैं। आप बताइए कैसा लगा, आप लोग बनारस गए हैं बाहर गए? जी हम बनारस के हैं, बनारस के विकास कार्यों से संतुष्ट तो हैं, लेकिन हम छात्र हैं, हम बस एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमारे नेतागण किसी भी पार्टी के, सपा, भाजपा, बसपा, किसी के भी आते हैं, वो लोग अपना समय शेड्यूल कर लें कि आम आदमी को परेशानी ना हो। ये यातायात पुलिस को रोकते हैं, तो यदि एक व्यक्ति का 15 मिनट नुकसान होता है तो बनारस में कम से कम 20,000 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तो 20,000 गुणे 15 मिनट आप जोड़ लीजिए कितना नुकसान होता है। ये लोग सुबह अपना समय बांध लें, आएँ, दर्शन करें, मीटिंग करें, चले जाएँ। आम आदमियों को, विद्यार्थियों को, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों उनको परेशानी ना हो, तो थोड़ा हमारी बात अगर वहाँ तक पहुँच जाती है तो जो लोग प्राइवेट। निश्चित रूप से आपने बहुत पते की बात की, बिजली पानी की तो बात करते हैं, लेकिन जो आपने एक समय की बात की, समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपकी बात निश्चित रूप से पहुँचेगी। आप भी कुछ? हम भी इन्हीं की तर्कों से सहमत हैं, और जो इनका विचार है वही हमारा भी विचार है। मुख्य रूप से सबके लिए समय सीमा बांधी गई है, तो उसमें संविधान के हिसाब से नेताओं को भी उसी के हिसाब से ही अपनी कार्रवाई, अपने धार्मिक कार्य में भाग लेना चाहिए। निश्चित रूप से जो VIP कल्चर है, VIP दर्शन है, कोई नेता मंत्री दर्शन करने आते हैं तो सभी लोग, आम आदमी को खोल दिया जाए, लेकिन जो उन लोग अपना 4 बजे उठ कर आके दर्शन कर लें, वो पब्लिक के लिए ही तो है VIP। जी हाँ, आपकी बात से न सिर्फ हम सहमत ही हैं बल्कि कभी कभी हम भी उस चीज से पीड़ित हो जाते हैं। नमस्कार आप लोग को, धन्यवाद, हर हर महादेव। तो ये बनारस की जनता है, बनारस के घाटों पे हमने बात किया, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बनारस के बाहर हैं, यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, तो ये है बनारस की जनता। बनारस की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी विकास कार्य हुए हैं, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र है, इस कारण यहाँ जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, काम उन्होंने जरूर किए हैं केंद्रीय निधि से या राज्य निधि से, लेकिन उनको महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता सिर्फ योगी को जानती है, सिर्फ मोदी को जानती है। बहरहाल आप बने रहिए भारत समाचार पे, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान।